गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल आपको एक बात बताया गया था और ये कहा गया था, स्थिर अगर आपका चित्त हो गया, या दूसरे शब्दों में कहूं आवेश रहित अगर आपका मस्तिष्क हो गया तो आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। आप लोग फिर सवाल करेंगे तो हो क्यों नहीं पाता, कमी साधना की है। ईश्वर का नियम तो सबके लिए है, जो अपनी योग्यता को बढ़ाता है उसके गुणों को पाता है। आनंद में जीवन तो सब जीना चाहते हैं। मैं सवाल कर रहा हूं आप सबसे, क्या आनंद में जीवन की कभी परिकल्पना आपने की है? सोचो जो मैं बोल रहा हूं, क्या आपने अपने आनंद में जीवन की कभी परिकल्पना की है? मैंने ही आपको बताया था कल्पना का बड़ा महत्व है। दृढ़ निर्णय लेने की क्षमता, विवेक की क्षमता, स्मरण शक्ति की क्षमता, विवेचन की क्षमता वहीं से पैदा होती है। मन का स्वभाव है वो जिसमें ढला होता है वो सुख देना चाहता है, परंतु साथ में अपने लिए दुख इकट्ठे कर देता है, बोझ इकट्ठे कर देता है, मानसिक वजन। धैर्य, साहस, हिम्मत, दृढ़ता, उत्साह ये गुण हैं। ये तो पूछेगा कि होता नहीं कैसे होगा, परंतु नहीं करोगे तो हो जाएगा क्या? हिम्मत जुटाओ, अपनी हिम्मत को जुटाओ। क्या आपके पास हिम्मत नहीं है? महर्षि पतंजलि ने सारा का सारा निचोड़ एक ही चीज पर ला करके खड़ा कर दिया, चित्त वृत्ति निरोध है, योग है। बस इतना सा खेल है सारा। मैं दो बार कह चुका हूं, किसी को समझ नहीं आ रही है तो मेरे से फोन से पूछ सकता है। मैंने ये भी कहा, दो बार कह चुका हूं कि अपने ग्रुप बना लीजिए, 6 आदमियों का ग्रुप बना लीजिए, पहले आपस में बात करो फिर 6 के 6 मेरे पास आओ। मानता हूं कि आप ये बात गुरु का जो संदेश है उसे रोज सुनते हैं, परंतु सुनने से वो लाभ नहीं मिलेगा जो वास्तव में मिलना चाहिए, इसलिए इस पर मेहनत करनी पड़ेगी। सांसारिक अनुभूतियों के कारण जो मानसिक आवेश पैदा होते रहते हैं उसके उफान आपकी जिंदगी में आते रहते हैं, उन्हीं को आप पूरा करते हैं, क्योंकि वो आपकी कमजोरी का फायदा उठा करके करने पर आपको मजबूर करते हैं।
लाइन पर लड़का है शुभम, उसने अपनी सारी कमजोरियों को व्यक्त किया, मेरे में ये कमजोरी है, इसको कहते हैं हिम्मत, साहस। मिटाने की साहस आपके अंदर पैदा होना चाहिए। लड़का लाइन पे है, पूछ करके देखिए उसको कितना लाभ मिला है। काश अगर वो गुरुदेव के साथ ना जुड़ा हुआ होता तो आज उसकी स्थिति क्या होती वो खुद बताएगा। परंतु जो होता है वो करने से होता है। कहीं पहाड़ी के ऊपर बना हुआ मंदिर दिखा देने से मंदिर के दर्शन नहीं होते हैं, उसकी दीवारें दिखती हैं। ये लिख रहा है, देख लीजिए। बहुत अच्छे से जानना, चित्त वृत्तियों का निरोध ही आपको उस स्थिति तक लेकर के जाएगा। सांसारिक उफान जो आवेश के रूप में आते हैं उनको काबू से बाहर ना होने दिया जाए, ऐसा ना हो। काम क्रोध शोक लोभ, इनका आधिपत्य आपके ऊपर हो जाए। सोचो, अरे आप कोई गलत काम करेंगे तो कोई भी आपको गाली देगा, कोई भी डंडा उठा करके मार देगा, कोई भी आपकी बेइज्जती कर देगा। क्या उसके परिणाम आपको नहीं दिखते? क्या गलत काम के परिणाम आपको नहीं दिखते? हां, हठयोग व्यर्थ है, हठयोग से कोई फायदा नहीं होगा। वो उतनी देर तक काम करता है जितनी देर, बहुत अच्छे से इस बात को जान लेना, ये अभी लिख रहे हैं, हठयोग करने से उतनी देर तक तो आप उसको दबा करके रख सकते हैं। उसको ऐसा समझना जिस तरह से सांप के फण को आपने दबा लिया, अगर छोड़ दिया हट गया तो पलट करके आप परिवार कर देगा। हठयोग में हमेशा नुकसान होता है। आवेशों के वशीभूत होना, फिर सारे कार्य आपके उसी तरह के होने लग जाएंगे। जैसा आवेश आपकी चेतना के ऊपर है, जो कार्य होंगे वो निश्चय ही बड़े दुखदाई और कलेश कारक होंगे। यदि आवेशों पर नियंत्रण रखा जाए और उनको जितना चाहे उनको बढ़ा देने और जब चाहे रोक देने की योग्यता अगर आपके अंदर पैदा हो जाए, मैं इसका एक उदाहरण देना चाहूंगा। ये घोड़े पर सवार घुड़सवार की तरह से है, हाँ बेटी ललिता, मैं भी जैसा बता रहा हूं जैसे एक घुड़सवार घोड़े पर बैठता है, उसकी रकाब में पैर कर रखता है तो घोड़ा दौड़ना शुरू हो जाता है। वो अपनी पीठ पर जो बैठता है सवार, वो पहले जो जीन कसी हुई होती है उसको टाइट पकड़ता है, तब पैर को आगे बढ़ाता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे पैर रखते के साथ ही घोड़ा दौड़ने लग जाएगा। जिन हाथों से वो जीन को पकड़ता है
उनमें पहले लगाम को पकड़ता है और फिर एक साथ बड़ी तेजी के साथ उसकी पीठ पर सवार हो जाता है और लगाम पकड़ करके तुरंत उसे अपने काबू में कर लेता है। जब उसके ऊपर सवार हो जाता है तो फिर उसको लगाम के द्वारा वो दिशा देता है और उसी दिशा में चलाता है जिस दिशा में वो चाहता है। ऐसे ही आपको भी अपने मन को लगाम लगानी पड़ेगी और अपनी चेतना को उसके ऊपर सवार करना पड़ेगा। आत्मनियंत्रण आपको पैदा करना पड़ेगा। जानते हैं ऐसा सुखकर परिणाम आपको मिल सकता है कि जीवन में चारों ओर आनंद ही आनंद उमड़ा दिखाई दे। आपको जिंदगी की वास्तविकता आपके सामने आएगी। कई बच्चों को अनुभूतियां हो रही हैं, मैं उनको बार बार समझा रहा हूं ये मंजिल है, टिक नहीं पाएगी। छलावे की तरह से जैसे सांप को ऊपर से पकड़ लेते हैं, उसके शरीर में आप कहीं से पकड़ लीजिए, सिर्फ गर्दन को छोड़ करके आप सांप को पकड़े रहेंगे, वो अंदर ही अंदर आपके हाथ से निकल के भाग जाएगा, आप कितना ही कस के पकड़ लें, क्योंकि उसकी मांसपेशियां अंदर अंदर काम करती हैं, त्वचा नहीं करती है, वो मांसपेशियों से चलता है और कितनी तेज दौड़ता है आप पकड़ करके देख लीजिए सांप को, आप पकड़ नहीं पाएंगे। या तो उसकी गर्दन से पकड़ पाएंगे या उसकी पूंछ से पकड़ पाएंगे, बस दो ही जगह उसकी कमजोरी है। ऐसे ही आपको भी अपनी कमजोरी को उसकी गर्दन से पकड़ना है। ऐसे कई उदाहरण इस दुनिया में हैं जो हमारे पूर्वज हुए हैं, उन्होंने इस काम को किया है, जिसमें राजा जनक हुए हैं, तुलाधार वैश्य हुआ है, दोनों ही उच्च कोटि के सदग्रस्त हुए हैं, दोनों ही उच्च कोटि के सदग्रस्त हुए हैं, परंतु साथ में योगी भी हुए हैं। देखिए मैंने पढ़ा है राजा जनक की सभा में हर वक्त जब भी सभा लगती थी नाच गाने होते रहते थे, परंतु राजा जनक अंदर से अपनी चित्तवृत्तियों को इतना कंट्रोल करके रखते थे, अपनी नजर तो क्या उधर वो मन से भी नहीं देखते थे और अपने राजकाज में लगे रहते थे। ऐसे योगी होते हैं, ऐसे योगी होते हैं। गुप्ता जी लिख रहे हैं योग का चिंतन मनन करते हुए देखरेख में करना चाहिए। ये तो मैंने पहले भी कहा था, बगैर गुरु कृपा के आप कुछ नहीं कर पाएंगे और गुरु कृपा एक ही है। अच्छा बताओ मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आपका बच्चा आपके पैर दबाता है, आपके कपड़े धोता है, आपको खाना खिलाता है, पर आपका कहना नहीं मानता, तो सेवा किसको कहोगे? खाना खिलाने को, पैर दबाने को?
सबसे बड़ी सेवा एक ही सेवा है, गुरु की कृपा को अगर लेना चाहते हो और आप माँ बाप भी हो, जो बच्चा आपके कहना मानता है, चाहे आपका करता ना हो, कहना मानता हो आपका, जो आप मुंह से कहते हैं वो ही करता है, बताइए वो सेवक है या नहीं है। गुरु कृपा इसी को ही कहते हैं, गुरु के निर्देश का पालन किया जाए। वो कभी घाटे में नहीं रहेगा, जो गुरु का कहना मानेगा वो कभी घाटे में नहीं रहेगा। मैंने कल भी कहा था, पुण्य कर्म ही एक ऐसा कर्म है जो इस जन्म में भी आपको अच्छा रखेगा और वो पुण्य अगले जन्म में भी जाएगा। सुखदेव जी महाराज ने राजा जनक से ब्रह्म विद्या की शिक्षा प्राप्त की थी। मन को वश में करने का कोई उनका उद्देश्य नहीं था, गुरु की कृपा थी। एक बात जान लेना, ये मान लेना, ये समझ लेना, भूल है, मन सदैव एक ही बात को सोचता रहेगा, ये बहुत बड़ी भूल है। एक ही स्थान पर वो स्थिर रहेगा ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए मन को काबू में करना पड़ता है, और काबू में करने का कल मैंने आपको एक तरीका बताया था, और वो तरीका था कि आप उसे अच्छे कार्यों में व्यस्त करके रखें। जितने अच्छे कार्य आप उससे लेंगे वो उसमें निरत हो जाएगा, और उसी तरह की वृत्तियां उसकी गतिशील रहेंगी। आप ध्यान करिए, उद्विग्नता शांत, दिव्य दर्शन प्रातःकाल पूर्व दिशा स्वर्णिम सूर्योदय, स्वर्णिम सूर्य सविता, गायत्री का प्राण सविता, सविता इष्ट लक्ष्य उपास्य, सविता प्रकाश ज्ञान प्रज्ञा, सविता अग्नि ऊर्जा ब्रह्मशक्ति, सविता ब्रह्म सविता वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व सविता, सविता उपास्य ब्रह्मवर्चस उपास्य, एकत्व अद्वैत
साधक का सविता को समर्पण। समर्पण विसर्जन विलय। साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व अद्वैत। कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जीवनिषत्। कुंडलिनी अंतः ऊर्जा। कुंडलिनी प्राण विद्युत। कुंडलिनी योगाग्नि। कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति। सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण मंथन। मंथन सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन समुद्र मंथन जीवन मंथन प्राण मंथन अग्नि मंथन। मंथन 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 से अंत ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन ऊर्ध्वगमन सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। भूलोक से ब्रह्मलोक तक
देवयान मार्ग मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान कुंडलनी आत्मशक्ति, जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन, उत्थान उत्कर्ष अभ्युदय, ऊर्ध्वगमन कुंडलिनी जागरण, तृतीय चरण वेधन शोधन जागरण, सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन, मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन, प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन, चक्र वेद शब्द वेद लक्ष्य वेद, वेधन शोधन जागरण, षट चक्रों का जागरण, मूलाधार चक्र जागरण, स्वाधिष्ठान चक्र जागरण, मणिपुर चक्र जागरण, अनाहत चक्र जागरण, विशुद्ध चक्र जागरण, आज्ञा चक्र जागरण, षट चक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण, चतुर्थ चरण विस्तरण, सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार, आत्मसत्ता का
विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार, चिंगारी का दावानल में विस्तार, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में, चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलनी जागरण, पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलनी का परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन, साधक का सविता में परिवर्तन, आत्मज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन, क्षुद्रता का महानता में परिवर्तन, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलनी जागरण, बंधन, ईश्वर दर्शन, कुंडलनी जागरण।
जीवनी सत्य जागरण, अंत ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगाग्नि जागरण, ब्रह्मज्योति जागरण, कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण, ॐ तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, ॐ मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, 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 तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार पंच कुंडली जागरण के पांच चरण पंचोंकार, रगड़े मुख पर फेरे। रविवार को मैंने प्रज्ञा मंडलों में लिख करके डाला है, नीता अरोड़ा के यहां पर स्टैंड अपार्टमेंट में 1,25,000 गायत्री मंत्र का जप होगा। न्यू अशोकनगर प्रज्ञा मंडल की पूरी जिम्मेदारी है, बाकी प्रज्ञा मंडल उनकी सहायता करेंगे। अभी से ही अपना मन बना लें और अपनी लिस्ट अपने क्षेत्र के मुखिया को सौंप दें। आज की बात समाप्त।